यहाँ पे कोई मिनट बना रहे नहीं, आप जितनी भी बात कर रहे हैं वो सब सुन रहे हैं जी। ठीक है, थोड़ा गलत होगा उसका जी, वही है मेरी से दरखास्त कहा, और इनसे कहा गया था कि हरिजन को एलर्ट किया जाए। बोला बोल रहा हूँ, डिरेक्टर के सामने बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। देख के पूछा गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, आज जोड़ा मैंने, ठीक है, ये बात गलत है। लगाने से पहले भी हमको बुला के मशवरा ले लेते थे और हम थोड़ा वहाँ से काम कर सकते थे। दो तीन दिन पहले अगर ये चीज़ का भी अपने लोगों को बात हो जाती थी। हमारा ये कहना है कि कोरोना बीमारी बहुत ही जिम्मेदारी की बीमारी है। सत्ता में कोई बीमारी लगी मालूम हुआ उनके साथ में उनका बेटा उनकी छाती को छाती लगा कर दवा करा उनके बेटा। इस तरीके से दूसरे भी माँ बाप के साथ में अगर से जोर मिलेगा तो उनको हिम्मत आती कि भाई उनको कुछ भी नहीं हुआ मुझसे, तो उस तरीके से उनका इलाज होगा। वो यहाँ पे उदाहरण दे चुके हैं, आमदार साहब ने भी ये बताया कि भाई फैमिली के पूरे लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि पॉजिटिव आने के बाद में टेस्ट हो जा रहा सभी का और अच्छे लोग होके आ जा रहे हैं। जो किसी का इंतकाल हो चुका है वो लोगों में उनकी फैमिली में इतना ये होगा कि तमाम लोग बहुत सारे लोग बगैर दवा खाने में बताएं कि इंतकाल हो चुका है ये महीने डेढ़ महीने के अंदर, और हम लोग उनकी मैयत में भी जाके आए हैं। तो इस तरीके से वो फैमिली को तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इतने लोगों के हम मैयतों में गए थे तो वो डर के मारे उनका है कि बीमारी है कि दूसरी है, उनको डर के मारे वो बीमारी से इंतकाल हो चुका है। हमारा ये कहना है कि कलेक्टर साहब से कि ब्लड बैंक जो पैरों से जो करते हैं प्लाज्मा थेरेपी, तो वो जो अच्छे पेशेंट हो चुके हैं उनके लिए भी एक ब्लड बैंक बनाकर लोगों को आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये बीमारी के लिए बताना चाहिए कि भाई ये हमारे पास इसका भी इंतजाम करने वाला है। और दूसरी बात, जैसे सिविल के अंदर पेशेंट जा रहे तो डॉक्टर साहब रिफर कर रहे हैं, वहाँ जाकर लोग परेशान हो जा रहे हैं, तो इस तरीके से कि वहाँ पर CCTV का इंतजाम रखना चाहिए। वो पेशेंट के लोगों को बोलना कि भाई तुम वीडियो पे देखो तुम्हारा पेशेंट चल रहा है बीमार, हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये लोगों में से डर दूर हो जाएगी। ये चीज अगर से आप ये करेंगे तो अच्छा है, CCTV लगाओ, नहीं तो हम लोग CCTV लगाते कैमरे लगाते खैर TV पे उनके पेशेंट को तो देख ले सकता हूँ, या नहीं तो मोबाइल पे ऐप के ऊपर भी देख ले सकता हूँ हमारा पेशेंट ऐसा है। ये थोड़ी सी मेरी बात थी गलत फहमियाँ जो है, जैसे डॉक्टर सतीफ अहमद साहब ने बताया कि अगर हम में हैं तो आवाम में हैं और आवाम में हैं तो हम में हैं। यकीनन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गलत फहमियाँ आज भी जो है हम में भी मौजूद है, और इसका जो है मैं अपने आप को भी जो है इससे मुतमईन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या क्या इस मामले में जो है, तो कितनी बातें आप अखबार के सामने कहूँ। जब तक के जो है बीमार का ताल्लुक डॉक्टर से होता है, वो उससे मुतमईन है तो सब कुछ है, और अगर वो मुतमईन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है कलेक्टर साहब जब पेशेंट पहुंचता है तो उसका बुनियादी मसला ये होता है कि वो वहाँ जाने से पहले भी मुतमईन नहीं है, जाने के बाद भी मुतमईन। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले उनको किस तरह मुतमईन किया जाए। जैसे हमारे अभी तो सत्तार साहब ने जो है यहाँ बात बतलाई कि मैं औरंगाबाद जाकर जो है तो ट्रीटमेंट किया, इसी तरह हमारे जो है तो आमदार साहब मोहन बड़े साहब इन्होंने भी जो है औरंगाबाद जाकर जो है तो अपना इलाज करवाया। ये यहाँ रहने के बाद जो यहाँ पेशेंट जा रहे हैं अभी अपने इत्मीनान का इजहार यहाँ आकर कर रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, लेकिन यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं जो है तो सिविल हॉस्पिटल से अच्छे होकर आ रहे हैं या फिर शरीफ हो रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि फिर न जाए तो अच्छा है। उन लोगों की गलत फहमियाँ कलेक्टर साहब दूर होने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं कि भाई सिविल हॉस्पिटल में जाना है तो मौत को वापस लेकर आना है, नाश को वापस लेकर आना है, अपने जिंदा आदमी को मुर्दा वापस लेकर आना है। और यकीनन इस मामले में हम लोगों से कोताही हो रही है कि हम आखिरी वक्त में जो है तो दवाखाना पहुँच रहे हैं, आखिरी वक्त में दवाखाना जा रहे हैं। अब जाहिर बात है कि जब आखिरी वक्त में दवाखाने में जाएंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर उसकी नाशी वापस आएगी, सही सालम इंसान वापस नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ रहते हुए जो लोग यहाँ जो है तो उसके इलाज के लिए परेशान हैं, उन लोगों को सबसे पहले मुतमईन करना होगा कि वहाँ जाने के बाद हर तरह की सहूलत दी जा रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सिविल हॉस्पिटल में आज भी जो लोग पहुँच रहे हैं उनको तमाम के तमाम फैसिलिटियाँ मुहैया नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी गलत फहमियाँ दूर नहीं हो रही है। इसके अलावा एक और बात, जो लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं
के अंदर भी बेचैनी बरकरार है, उन लोगों के साथ भी जो सुलूक किया जा रहा है, उन लोगों के कहने जो हमारे पास आए जो मुस्तक बात पहुंची है वो ये है कि भाई अल्लाह किसी को भी वहां पर ना भेजे, क्वारंटाइन में भी अल्लाह किसी को ना भेजे, इसलिए कि वहां पर किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही, ये भी शिकायत हो सकता है कि ये शिकायत गलत हो, मैं इसमें उसके ऊपर हम यकीन नहीं करते, लेकिन इस सिलसिले में मैं जो है प्रशासन से दरखास्त करूंगा कि आप मुतमईन कीजिए अमले को जो वहां पर जा रहा है, उनको आप मुतमईन कीजिए, गलत फहमियां दूर हो सकती है पेशेंटों के इलाज से वापस आने के बाद आवाम के अंदर जो है ये बात बतलाने से कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाइए और वहां पर इलाज कीजिए, इसलिए कि मेरा इलाज मैं वहां करके आया, वहां पर किसी तरह की कोई जो है कोई तकलीफ नहीं है, आप जाइए, मरने से पहले अगर वहां इलाज पेशेंट पहुंच रहा है तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में वापस आ रहा है। जैसे हमारे अब्दुल सत्तार साहब ने कहा कि मैं वहां गया और तमाम के तमाम फैसिलिटी मुझे दी गई, अब जाहिर बात है यहां जितनों ने सुने उन लोगों की ख्वाहिश की होगी, अल्लाह न करे किसी को बीमार करे, लेकिन अगर कोई बीमार होगा और अल्लाह ने उसको इस्तेदाद दी होगी तो उसके जहन में आएगा कि नांदेड़ में भी औरंगाबाद में जाना चाहिए और दूसरे दूध हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि यहां के रहने वाले पेशेंट जो है तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो जब यहाँ आए तो उनकी जबान से भी ये जुमला निकले कि वहां पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, हम में से हर इंसान को वहां जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। और एक और बात जो है हमारे कलेक्टर साहब ने कही कि जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों से दरखास्त है कि वो लोग जो है पेशेंटों को हमारे पास रिफर करें, हमारे पास भेजें। इस सिलसिले में भी डॉक्टर कलेक्टर साहब, लोगों के दरमियान बहुत गलत फहमियाँ हैं, यहाँ तक के लोगों का यहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर से एतमाद खत्म हो चुका है।